छतरपुर जिला में खनिज विभाग की यह कैसी कार्यवाही, गरीब व्यक्ति के द्वारा घर बनाने के लिए आई रेत पर ही रेत कंपनी के इशारे पर की गई कार्यवाही। दिनांक को सुबह लगभग 11 बजे रेत कंपनी के व्यक्ति खनिज निरीक्षक दुबे को लेकर गरौली रोड पर ठठेरा के पास पहुंचते हैं और एक आधे बने मकान के पास पड़ी 30 से 40 ट्रॉली रेत पर कार्यवाही करना प्रारंभ करते हैं। जब कुछ महिलाओं बच्चों के द्वारा रोते बिलखते हुए बताया गया कि यह मकान निर्माण के लिए रेत पड़ी हुई है तो इस पर कार्यवाही ना करें, लेकिन माइनिंग इंस्पेक्टर ने कहा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वह तो रेत कंपनी के द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन कर रहे थे और कार्यवाही करने को तैयार हो गए किसी भी व्यक्ति की सुने बगैर। इस दौरान गांव की कुछ महिलाएं बच्चे एकत्रित होकर विरोध करना शुरू करते हैं। इसी बीच इनके द्वारा पुलिस को आनन फानन में सूचना दी गई और पुलिस बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इसी प्रकार की घटना ग्राम वीरपुरा में कल घटित हुई थी। मौके पर बिना कार्यवाही की इनको वापस आना पड़ा था। खनिज विभाग रेत माफियाओं के इशारे पर कंपनी के ठेकेदारों को साथ में लेकर कार्यवाही करने के लिए निकलते हैं। इनको किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित हो यह चिंता नहीं रहती है। रेत कंपनी भी लगातार गुंडा बदमाशों को साथ में लेकर शहर शहर और गांव गांव में घूम रहे हैं। इनको किसी का भी खौफ नहीं है, लेकिन जब स्थिति अनियंत्रित होने लगती है तब अन्य विभागों को इनकी याद आती है। जब खनिज विभाग के माइनिंग इंस्पेक्टर से इस संबंध में पूछा गया कि पुलिस को क्यों सूचना नहीं दी गई तो इनके द्वारा भी वही अप्रत्याशित जवाब दिया गया कि हमें ज़रूरत नहीं है, पुलिस की जब जरूरत होती है तो हम बुलवा लेते हैं, पहले से सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। यह इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के वचन है, इससे स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि इनसे पूछा गया जो स्थिति बिगड़ी इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो यह इस प्रकार के प्रश्न के जवाब से बचते हुए माइनिंग इंस्पेक्टर नजर आते हैं। किन लोगों को पाया गया, बीच में जो विवाद हुआ है ठेके जाके सारे पर कार्रवाई हुई कि मानी की मानी की कार्रवाई की ठेकेदार के मतलब सहयोग लिया गया था मशीन के। सर अभी दो दिन पहले भी कार्रवाई हुई की गई थी माइनिंग विभाग द्वारा, वो भी मिली थी ठेकेदार के आदमियों के साथ में लेके की थी। नहीं, तो आज भी सूत्र बता रहे कि जितनी भी कार्रवाई हुई है जो ठेकेदार के आदमियों की राज्य विभाग ही है, 50 से 100 आदमी लड़के थे साथ में, उनकी गाड़ी उपयोग किया गया, तो क्या प्रशासन जो है इतना मजबूर हो गया थे कार्रवाई? ना, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पूर्व में भी आपने कुछ बालू जब्त की थी, वो रखी हुई है पैकेट हाउस में, उसमें चोरी हो गई काफी बड़ी मात्रा में बालू, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? और जिसका सपोर्ट दे गए तो उसको उसी पर कार्रवाई। प्रशासन को सपोर्ट दिया था, प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन की बात नहीं, चोरी हो गई है।